जनपद बिजनौर की उत्तम शुगर मिल में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति जलकर हुई राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नांगल थाने के बरकतपुर गांव में स्थित उत्तम शुगर मिल में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना जीएम को मिली, तभी शुगर चीनी मिल के जीएम ने पुलिस को सूचना दी। तकरीबन डेढ़ घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। बिजनौर जिले की उत्तम शुगर मिल चीनी के साथ साथ एथेनॉल भी बनती है। अगर आग एथेनॉल प्लांट तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तम शुगर मिल बरकतपुर के जीएम नरपत सिंह ने बताया कि रात बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से नीचे पड़ी गन्ने की खोई में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयंकर लगी कि करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। शुगर मिल में लगे फायर सिस्टम ने आग को बुझाने में काफी मदद की है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, परंतु ये शाम को 7 बजे जब लाइटिंग्स ऑन होती है अंधेरा होने पर, तो जो बैगास जिसमें रखी जाती वो शेड है, उसकी लाइटिंग ऑन हुई। गर्मी ज़्यादा थी और लग रहा है कि किसी पोल से शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से ये बैगास, क्योंकि बैगास सूखी थी बिल्कुल और हमारे पास ड्रायर है तो और सूखी हो जाती है, तो उसकी वजह से इसमें जल्दी आग पकड़ ली। और आग को काबू पाने के लिए हमारे फैक्ट्री के सारे स्टाफ लोगों ने सहयोग किया और हमारे पास जो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट हैं, 3 हाइड्रोजेट हाई लेवल के पंप हैं 7.5 kg प्रेशर के, उनसे 11 पाइपों से नोजल से पानी से स्प्रे किया गया और लगातार मेहनत करने के बाद आग को रोका गया आगे बढ़ने से, जिससे कि आगे फैक्ट्री की तरफ न बढ़े, और उसमें हम सफलता प्राप्त किए और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हाँ, बैगास सेट उनकी लोहे की टीनें गल गई है, परलिंस गल गई है, वो एक आर्थिक नुकसान है, उसका आकलन करेंगे, परंतु किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और फैक्ट्री बच गई, आगे नहीं बढ़ पाई आग। फायर ब्रिगेड की भी 3 गाड़ियाँ बिजनौर, नजियाबाद, नगीना से आ गई। फायर विभाग ने भी रात भर कार्य किया और हमारे भी 11 पंच और सारे कर्मचारी रात भर रह करके इस आग पर काबू पाए। सर, आपके यहाँ पे केवल चीनी बन रही है, फिर कुछ और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? हमारे यहाँ पर चीनी बनती है और एथेनॉल बनता है। विशेष चिंता इसी की थी कि वो डिस्टिलरी की तरफ न बढ़ जाए आग, और उसमें ही हम लोग प्रभु की कृपा से सफलता पा लिए कि सारे जो हमारे पास संसाधन थे, उन संसाधनों ने अच्छा कार्य किया। सभी लोगों ने पूरी रात मेहनत करी और पूरी तरह से नियंत्रण किया।